हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों ताकि नमस्कार, नए मेरा नाम है अपडेट डॉक्टर आपको मिलता के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिटिनिलीडियम के बारे में। दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन दवा है, ख़ासतौर से ऐसे पेशेंट के लिए जिनके अंदर हृदय की गति बढ़ जाए, श्वास की गति बढ़ जाए और रक्तदाब बढ़ जाए, उसको रोकने में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों ये। और आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एनसी घोष, लिखित पुस्तक कंपैरेटिव मेडिका एंड थेरेपेटिक्स के अंतर्गत मेडिसिन एसिटैनिलीडियम के बारे में। दोस्तों यह रेयर मेडिसिन है और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यह एक खनिज पदार्थ है, यह दवा न्यू रेमेडीज़ के अंतर्गत आती है, इसलिए चिकित्सा में इसका बहुत कम व्यवहार होता है। जहाँ ज्वर का ताप बहुत यानी 105, 106, 160 डिग्री तक दिखाई दे, उसके साथ ही हृदय की गति बहुत तेज हो और समान न हो, इरेगुलर हो, वहाँ इसे एक बार अवश्य याद करना चाहिए। इसमें तेज श्वास चलती है, पेशेंट तेज सांस लेता है, तेज सांस छोड़ता है, हृदय का जल्दी जल्दी धड़कना होता है और ब्लड प्रेशर का घट जाना होता है। ब्लड प्रेशर में अगर वृद्धि दिखे तो वहाँ पे एड्रेनलिन 2x, 3x, 6x पोटेंसी यूज करने पे अच्छा काम करती है। एसिटैनिलीडियम में क्रमशः बढ़ा हुआ तापमान घटता जाता है, इसको आप पायरोजिनम और वेरेटम वेडियम से भी कंपेयर कर सकते हैं। पेशेंट के अंदर एड़ी की गांठ और पैर के तलवे में अगर सूजन है तो इससे फ़ायदा होता है। किसी ऐसे पेशेंट को जिसके एड़ी में या जो एड़ी की जो गांठ होती है उसके अंदर सूजन हो पैर के तलवे में, तो उससे फ़ायदा इससे होता है। ताप अगर सब नॉर्मल हो, टेम्परेचर अगर नॉर्मल से नीचे हो यानी कि 96 डिग्री फारेनहाइट, तो ऐसी कंडीशन में समूचा शरीर और भीतर बर्फ़ की तरह ठंडा हो, तो वहाँ पे हेलोडर्मा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों तापमान ज़्यादा हो तो एसिटिनिलीडियम और तापमान कम हो तो हेलोडर्मा, इसका उपयोग करने पे बहुत अच्छा यूज होता है। तो इसको हम बुखार को कम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बीपी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से हो और नियंत्रित हो, इरेगुलर हो, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ में श्वास क्रिया अगर बहुत तेज़ हो, जल्दी जल्दी पेशेंट सांस लेता है, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिनिलीडियम के रोगी को ज़रा सी ठंड में ही सर्दी लग जाती है, यह भी इसका एक बड़ा खास सिम्टम है। सर्दी बिल्कुल सहन नहीं होती है, उस कंडीशन में इसका क्रूड फॉर्म में 1 से 3 ग्रेन मात्रा व्यवहार करने पर अनेक प्रकार के कष्टप्रद न्यूरेलजिक पेन में आराम मिलता है और सिर दर्द तुरंत घट जाता है। यह एक तरह से सीडेटिव औषधि है दोस्तों, मतलब ये कि उस समय पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाता है, आगे उससे क्योर हो ना हो वो एक अलग इशू। लेकिन बहुत से ऐसे कंडीशन में जो कि ये तीन मेन कंडीशन मैंने आपको बताई है, इन कंडीशन में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत आराम मिलता है। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एंटीपायरिन के साथ में। और होम्योपैथिक में इसका 3x पोटेंसी से लेकर के 3, 6, 9, 30 पोटेंसी तक इसका यूज़ होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बात रही एसिटिनिलीडियम के बारे में। रेयर मेडिसिन है लेकिन काम की मेडिसिन है दोस्तों। तीन जो मैंने आपको बताया है इन तीन लक्षणों के ऊपर, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी से आपको फ़ायदा मिलेगा और आप इसको अगर अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते हैं तो वो लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आपको इसके अगर कुछ चेंज करना हो दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें कुछ और विशेष तरह से कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट करें। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी ही, फिर मिलते हैं इसके आगे की मेडिसिन्स के बारे में जानकारी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।